हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एनिमी टू चैनल पे। गाइस, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि चैनल पे आपको मिलती है एनिमे और कार्टून से रिलेटेड छोटी छोटी न्यूज और बड़ी से बड़ी अपडेट। आज वीडियो काफी और समय, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मतलब देख लो ना यार, ब्राउजर खोल के ताई देखने का प्लान है। और अगर 0.1% वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना। और आज की वीडियो को लाइक किया है 200 लाइक। अगर आपने 200 लाइक इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिए तो ये हमारे चैनल की मोस्ट लाइक वीडियो बन जाएगी, तो कर दो। ओके, तो बिना आपका इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट किए वीडियो, तो बात करते हैं वन पीस से रिलेटेड। यस, तो वन पीस ने वार्नर ब्रोस से एक एनिमेटर मांगा है, यानी कि अब आने वाले अपकमिंग एपिसोड्स में आपको वन पीस में वार्नर ब्रो टाइप का एनिमेशन देखने को मिलेगा। स्पॉइलर अलर्ट, मैं पहली बता रहा हूँ, कुछ वन पीस फैंस से मैंने बात करते सुना कि वो बोल रहे थे कि ये गियर 5 से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप वन पीस फैन हो तो प्लीज़ कमेंट करो और बताओ ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने अभी तक वन पीस देखना स्टार्ट नहीं किया, पर जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, तो ये मेरी भी हेल्प करेगा और दूसरों के भी हेल्प करेगा। और अब बात करते हैं न्यू एनिमे एडॉप्शन सीरीज को, शैडो डाइट ट्वाइस लाइकली को एनिमे एडॉप्शन मिलने वाला है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसका पोस्टर काफ़ी कूल लग रहा है। ओके, झूठ नहीं बोल रहा, ये गेम है क्या? आपको पता है ये गेम है या क्या है? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि ये इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट मैं जल्दी पता करके कमेंट पोस्ट कर दूंगा। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने चैनल की नोटिफिकेशन बेल ऑन करो, हम लोग जल्दी 500 सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे। और अब बात करते हैं चेंसो मैन का सीजन 2 डीले हो सकता है, क्योंकि मापा के CEO ने कहा कि जुजुत्सु काइसन जितना हमें प्रॉफिट देता है उतना चेंसो मैन हमें प्रॉफिट नहीं देता। ये सुनने के बाद आपकी तरह ही मेरी भी दिमाग की बत्तियां उड़ गई। देखो, जहां तक मुझे पता है चेंसो मैन एक सीजन ब्रेकर एनिमे था, बट हो सकता है कि उतना प्रॉफिटेबल ना रहा हो और इससे सीजन 2 पे डिले पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी एनिमे एडॉप्शन तभी पड़ता है जब वो सीजन 1 अच्छा रहा हो। और अब बात करते हैं हंटर एक्स हंटर आने वाले म्यूजेशा के ऊपर। यस, यकीन नहीं हो रहा ना, यस, ये हंटर एक्स हंटर जल्दी आपको देखने को मिलेगा म्यूजेशा के ऊपर। मैं भी देखने के बाद चौंक गया था, सॉरी, इसके बारे में थोड़ा सा डीले बता रहा हूँ, एक दिन कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, हाँ, वेरी प्रॉब्लम्स, बट मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि हंटर एक्स हंटर मैं भी फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ। और अब बात करते द सीजन ब्रेकर ओशिनोको को फाइनली उसका सीजन 2 मिल रहा है। यस, देखो, मैं जानता हूँ कई सारे लोगों ने ओशिनोको नहीं देखा, तो अभी जाओ देखो नेटफ्लिक्स और एनिमेशन के अल्ट्रा चैनल के ऊपर। मैं भी जा रहा हूँ आज से देखने से स्टार्ट करने, क्योंकि मुझे भी आ गई यार। देखो, जहाँ तक मुझे पता है ये एक लव एनिमे तो बिल्कुल नहीं। ओके, मैं आप लोगों को कहूँगा कि एक बार ट्राई करो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए फ्यूचर में एनिमे न्यूज़ से रिलेटेड, तो सब्सक्राइब करो और अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन करो सभी के लिए। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, ये मैसेज है, मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ कोई देखने नहीं आता। और इस वीडियो को लाइक करो, 200 लाइक कंप्लीट करवा दो। और अगर आप मुझसे वॉइस चैट करना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे वीब से आ जाओ।